हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो ये हमारा मैकेनिक्स है, अप्लाइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स के कम से कम मैंने 5-6 चैप्टर पढ़ाए हैं, उसको आप समझिए। तो पहला मैंने, जैसे हमने बात की थी कि फोर्स क्या होते हैं, लॉ पैरेललोग्राम क्या होता है, ठीक है। फिर सेकेंड में हमने आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था, टी सेक्शन बताया था, आई सेक्शन बताया था, ठीक है। तो उसको मोमेंट बताया मैंने, तीन तीन डिफ्रेक्शन बताई थी, एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी बताया था, सेंट्रोइड बताया था। तो दोनों में अंतर क्या है वो चीज़ भी मैंने पढ़ी थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था, जिसको हमने फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से पढ़ा था, ठीक है। तो अगर वो मोमेंट, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आई होगी, फोर्स मोमेंट क्या होता है क्या नहीं होता है, तभी ये वाला लेक्चर समझ में आएगा, नहीं तो आपको समझ में आएगा ही नहीं। ये क्लियर बात है। और उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको आप देख लीजिएगा प्लीज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स का आज का टॉपिक है, जो कि इम्पोर्टेंट है आपका, कपल। तो होता क्या, पहले इसको पढ़ते हैं फिर आपको समझ। कपल इज अ स्पेशल केस ऑफ पैरेलल फोर्सेस। टू पैरेलल फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट सेंस इज अ कपल। द इफेक्ट ऑफ अ कपल इज टू रोटेट द बॉडी ऑन इट्स एक्सिस शोन बिलो। ये डायग्राम दिख रहा है, अब इसको आप बाद में समझिएगा, पहले मैं बना के सिखाता हूँ। ये आपका कोऑर्डिनेट होता है, जो मैथ्स पढ़े होंगे उनको पता होगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। आप देखिए इसमें क्या बोल रहा है, कपल इज स्पेशल केस ऑफ पैरेलल फोर्स। टू पैरेलल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड। अब देखो, एक ये कोई चीज है, ये फोर्स लग रहा है एफ, तो बोल रहा है कि दो पैरेलल फोर्स लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो ये फोर्स इधर लग रहा है, फिर ये वाला कैसे लगेगा, ये अपोजिट लगेगा इसका, तो ये भी एफ है। इसको हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे, क्योंकि इधर जो जाते हैं इधर पॉजिटिव ले लेते हैं, इधर जो जाते हैं जीरो की इधर निगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो ये निगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव ये हो गया, निगेटिव अब ये हो गया। अब देखो इसको समझते हैं। अब एक चीज़ समझिए, और ये एक हम ऐसे कोई बॉडी बना दे, तब आपको धीमे धीमे समझ। अब यहाँ से हमारा ये जो गिरता है, ये हमारा आर्म होता है, इसको आर्म बोलते हैं। ये कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री, ठीक है, ये 90 डिग्री पे हो गया। तो अब एक चीज़ आप बताइए कि जब ये 90 डिग्री पे हो गया, तो यहाँ पे भी फोर्स है, यहाँ पे भी फोर्स है, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स खींचेंगे ना, मतलब ये इधर को खींचेगा, ये इधर को खींचेगा, तो क्या होगी, तो मतलब जो कोई बॉडी आपकी एक इधर भी खींच रही इधर के, तो इसके कारण से ये ऐसे टर्न होगा ना, ये घूम जाएगा ना, ये इधर हो जाएगा ना, ये इधर हो जाएगा, इधर घूम जाएगा। तो ये चीज होती है, मतलब कि कोई फोर्स, दो फोर्स जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, उसको वो रोटेट कर जाती है, वो कुछ इधर बल फोर्स के कारण, कुछ बल के कारण कुछ इधर, तो बॉडी हमारी घूम जाएगी, इधर घूम जाएगी। अब ये दो केस होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है, एक क्लॉकवाइज घूम सकता है, दो ही दिशा में घूम सकती हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सी दिशा होती है, मतलब ऐसे, ये एरो हमारा एंटी क्लॉकवाइज का है, ये क्लियर। क्लॉकवाइज का क्या एरो है, ये क्लॉक, इतनी चीज समझ में। आप समझते हैं कि क्लॉकवाइज में कैसे होगा, ये फोर्स है, ये मान लो पॉजिटिव है, क्यों मान लो, क्योंकि ये हमने कोऑर्डिनेट बताया था, ये इधर जाएगा तो प्लस है, ये इधर जाएगा तो माइनस है, तो ये माइनस एफ होगा, ये प्लस एफ, तो दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री पे है, ये आर्म है। और मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, मैंने पिछले भी लेक्चर में बताया था आपको मोमेंट का फार्मूला क्या होता है। तो मोमेंट का होता है एफ इंटू डी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये बल हो गया, ये बल हो गया, और डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, डिस्टेंस यही तो होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होगी 90 डिग्री पे,
ये 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, ये हमने समझा क्लॉकवाइज का। अब हम चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज समझते हैं, मतलब ये फोर्स है एक इस दिशा में लगा, ये देखो एरो, ये इधर लग रहा है तो ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है तो ये इधर लग रहा है, दोनों में अंतर है, ये फोर्स हो गया ये फोर्स हो गया। अब ये दोनों फोर्स हो गया, ठीक है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी परपेंडिकुलर डिस, तो इसका भी मूवमेंट क्या होगा, एफ इंटू डी होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, आप देखिए एक नोट है आप लोगों के लिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रोटेशन इज द मोमेंट ऑफ कपल गिवन एम इंटू फोर इंटू डी, मतलब वही चीज़ें जो हमने बताया हम मूवमेंट कैसे निकालते हैं, इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर है, किलो न्यूटन मीटर है, एक्सेट्रा, इतनी चीज़ें बची। अब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ कपल में देखते हैं, पहला क्या है, कपल इज कॉज रोटेशन ऑफ द बॉडी, वही चीज़ है, ये इसके फोर्स इधर खींचता है इधर खींचता है, इसके कारण से बॉडी रोटेट कर जाती है, चाहे एंटी क्लॉकवाइज करे चाहे क्लॉकवाइज करे। ठीक है, पहला पढ़ा। दूसरा क्या, द रिजल्टेंट फोर्स कपल सिस्टम इज जीरो, मतलब अगर हमने बोला कि ये एफ है, ये एफ पॉजिटिव है, ये एफ निगेटिव है, तो क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा, समेशन, समेशन मतलब रिजल्टेंट मतलब। ठीक है, तो ये चीज़ भी पॉइंट क्लियर हो गई। तीसरा क्या है, टू बैलेंस द सिस्टम कपल रिजल्टेंट अनदर कपल, मतलब कि अगर हमको सिस्टम को बराबर करना है तो कपल जो है एक इधर है तो उसका अदर साइड भी अपोजिट ही होना चाहिए, अगर सिमिलर होगा तब बैलेंस कहाँ से होगा। ठीक है, तो ये बैलेंस था, और ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, फोर्स ओरिजिनली टू कंडीशन एट पॉइंट, फोर्स शिफ्टेड वी कपल, जो कि मैंने बताया ये इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो ये अपना कपल बना लेंगे ना, क्योंकि ये पॉजिटिव में निगेटिव में, ये तो खाली सिंगल बॉडी है ए, ये बी, तो ये कपल बना लिया अपने, तो एट पॉइंट वी रिस्पेक्ट में ये खाली रह जाएगा। ठीक, इसी तरह यहाँ पे एफ इंटू डी, ये पॉइंट बना लेंगे, फोर्स यहाँ